नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं अंजू सिंह, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम विचार विमर्श में। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम खेती से जुड़े किसी मुद्दे पर विचार विमर्श करते हैं ताकि किसानों को उसका फायदा हो सके। देश ने वो वक्त देखा है जब किसानों को यूरिया के लिए बहुत जूझना पड़ता था, यूरिया की कालाबाजारी होती थी और किसानों को परमिट कोटा से लेकर तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने आज यूरिया के मामले में इन चुनौतियों को हल कर लिया है। उन्होंने यूरिया में नीम को मिलाना अनिवार्य कर दिया है। इससे एक तरफ यूरिया की कालाबाजारी रुकी और उपलब्धता बढ़ी, तो दूसरी ओर नीम के गुणों ने किसानों को दोहरा लाभ पहुंचाया। क्या वाकई ऐसा हुआ है? इससे किसानों को कितना और कैसा लाभ हुआ है? क्या इससे कीटनाशकों के उपयोग पर भी असर पड़ा है? इन दावों को कैसे माना जाए? इससे उपज पर कितना असर पड़ा? क्या मिट्टी की सेहत पर भी प्रभाव हुआ है? इस तरह के तमाम सवालों पर आज विचार विमर्श करेंगे। केंद्र सरकार के उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव श्री धर्मपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है धर्मपाल जी आपका। कृषि मंत्रालय में अपर आयुक्त डॉक्टर वंदना द्विवेदी जी, आपका भी द्विवेदी जी बहुत स्वागत है वंदना द्विवेदी जी। और केंद्रीय गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक श्री शैलेंद्र सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जागरण से जुड़े जाने माने कृषि पत्रकार श्री एसपी सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एसपी सिंह जी। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हो, और जैसा कि हमने बताया कि यूरिया में नीम के बहुत सारे फायदे हैं और इसीलिए आज के हमारे कार्यक्रम का नाम है यूरिया में नीम, तो फायदे गिन और इस पर हम विचार विमर्श का सिलसिला शुरू करें। उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। नीम लिपित यूरिया, यानी ऐसा यूरिया जिस पर नीम के तेल का लेप किया गया हो। पहले जो यूरिया कारखानों में बनता था उसे सीधे ही बैगों में भरकर किसानों को बेचा जाता था, लेकिन इससे कई तरह की समस्याएं सामने आती थीं। इसमें से एक ये थी कि किसानों को समय पर यूरिया नहीं मिल पाता था और यूरिया की खूब कालाबाजारी होती थी। किसानों को ज्यादा पैसे देकर यूरिया खरीदना पड़ता था। खेती वाले यूरिया पर सरकार सब्सिडी देती थी और सस्ता यूरिया अवैध रूप से कुछ उद्योग कालाबाजारी से खरीद लेते थे। केंद्र सरकार ने इन सारी समस्याओं का हल निकालते हुए खेती के काम आने वाली सारी यूरिया को नीम लेपित कर दिया। नीम लेपित यूरिया काफी असरदार है और पहले से कम मात्रा से भी लाभ पूरा होता है। ये यूरिया खरीफ 2016 से देश में उपलब्ध हुआ और अब ये बात सामने आई है कि यूरिया की खपत में कमी आई है। साल 2016 और 17 में यूरिया की 3,14,49,000 टन खपत का अनुमान लगाया गया था, लेकिन कुल खपत 2,96,14,000 टन की ही रही। नीम लेपित यूरिया को देखते हुए अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से कहा गया है कि वह समेकित पोषण प्रबंधन पर दोबारा विचार करें। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी और हमने ये भी बताया कि कितना अनुमान था कि कितनी यूरिया की खपत हो सकती है, लेकिन उससे कम खपत हुई, यानी जो समय है वो बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा है, तस्वीर बदली हुई नजर आ रही है। पहले ये होता था कि मांग ज्यादा होती थी और उसकी आपूर्ति नहीं हो पाती थी। हमारे साथ धर्मपाल जी हैं। धर्मपाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो बदलाव किए गए हैं यूरिया को लेकर के, जो बदलाव किए गए हैं और जो तब्दीलियां की गई हैं, आप इसे किस नजरिए से देखते हैं और इसका किस तरह का असर आप देख पा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। एक तो नीम कोटिंग से जो मेन हमारी, जो जैसे आपने अपने शुरू के रिमार्क्स में बोला, अवेलेबिलिटी पे बहुत असर पड़ा जी जी। और दूसरा उसके बाद ये कीटनाशक की तरह भी काम करता है, तो उसका भी फायदा किसानों को मिला। और जो ये जो नॉर्मल यूरिया है उसमें वाष्पीकरण की वजह से लॉस काफी होता था, तो वो लॉस नीम कोटिंग करने की वजह से वो लॉस कम होता है और जो क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। जी, तो मेन असर इसका जो है सब किसानों के फायदा ही हुआ है। जी जी, जैसे कि आंकड़े अपने रिपोर्ट में बताया और जो मेरे पास भी कुछ आंकड़े हैं, तो जो 2016-17 में यूरिया की 3,14,49,000 टन की खपत का अनुमान लगाया गया था, लेकिन इसके जगह जो खपत हुई है वो 2,96,14,000 टन की हुई। जो ये फर्क आप देख रहे हैं, इस फर्क को किस तरीके से समझा जाए? ये क्या खपत कम हुई है या फिर कालाबाजारी घटी है या फिर अब सही व्यक्ति तक सही चीज पहुंच रही है, किस तरीके से समझे से? इसका एक तो क्योंकि कंजम्पशन, क्योंकि जो
इफेक्टिवनेस जो यूरिया का बढ़ा है तो उसकी वजह से कंजम्पशन पे असर पड़ा, और उसके अलावा नीम कोटिंग करने से कालाबाजारी में जो डिवर्जन होती थी यूरिया की वो भी कम हुई। तो ये रला मतलब कंबाइंड इम्पैक्ट है पूरे सारे फैक्टर्स का कि कंजम्पशन तो ओवरऑल कम हुई। जी, तो ये जो हम नीम लेपित यूरिया की बात करें, सिर्फ क्या हमारे देश में ही हो रहा है या फिर कहीं और अन्य देशों में भी इसी तरीके से ये तरीका अपनाया जा रहा है? ये एक्सपेरिमेंट तो बहुत सारे देशों ने किया है, नीम कोटिंग पे एक्सपेरिमेंट्स किए करके उन्होंने देखा है कि इसका क्या क्या असर फसल पे होता है, लेकिन 100% मैंडेटरी जो नीम कोटिंग हुई है वो भारत में हुई। जी वंदना जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ये दावे तो हमने कर दिए कि, और हालांकि आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन इसकी जांच किस तरीके से की गई है कि कितना फायदा किसानों तक हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो तस्वीर हमें दिखाई दे रही है कुछ और हो जमीन पर? देखिए, ऐसा नहीं है, जो जब भी कोई टेक्नोलॉजी उतारी जाती है किसानों के हित में तो उसकी पूरी जांच करी जाती है। तो जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है इसने इस पर विस्तार से इसके ऊपर अनुसंधान भी किया और उसी तभी ये हमारे एफसीओ के अंदर इसको लाया गया है, और ये वास्तव में एक बहुत हितकारी कदम भी है, क्योंकि नीम वैसे भी हर तरह से किसानों के फायदे के लिए ही होता है, चाहे वो अपनी मनुष्य की सेहत के लिए हो या मिट्टी की सेहत के लिए हो, वो हमेशा ही, और पर्यावरण की सेहत हो, सब तरह के लिए फायदे ही है। तो ये एक तो पहले से ही ये सिद्धांतिक रूप से ही सही है कि नीम की कोटिंग की गई है, इसके बजाय और दूसरे लाख वगैरह की भी कोटिंग की जा सकती थी, लेकिन चूंकि खेती में सबसे ज्यादा नीम बहुत इफेक्टिव है तो ये उसकी कोटिंग करी गई है, ये बहुत अच्छा निर्णय है। इसकी जांच भी की गई है, इसकी जांच भारतीय कृषि अनुसंधान ने भी किया है, किसानों तक किस तरह का लाभ हो रहा है ये भी देखा जा रहा है, ये भी देखा गया है। और कई हमारी जो R&D करती है, हमारी फर्टिलाइजर की कंपनियां करती हैं, जैसे NFL ने भी इस पर स्टडी कराई है, इसी तरह से एक पतंजलि साहब हैं, उन्होंने, डॉक्टर पतंजलि ने जो आपके पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन इंस्टीट्यूट है उस पर भी, उन्होंने भी इस पर एक जांच करी और उसे देखा है कि वाकई में फायदेमंद है। जी चलिए, फायदेमंद आपने बात की। और शैलेंद्र जी, क्योंकि आप तो क्वालिटी कंट्रोल से जुड़े हुए हैं यानी गुणवत्ता आंकने का आपका काम है, तो ये बताइए कि कितनी गुणवत्ता बेहतर हुई है यूरिया का जो पहले काम हुआ करता था, और उससे जब नीम इसमें और मिला दिया गया, नीम ऑयल की इसकी कोटिंग कर दी गई है, तो इसकी गुणवत्ता में किस तरह का असर आया? धन्यवाद अंजु जी। एक्चुअली इसमें जो नीम लेपित यूरिया है, जो यूरिया पहले बिना नीम लेपित बाजार में उपलब्ध था किसानों के लिए, उसमें टोटल नाइट्रोजन और इसमें टोटल नाइट्रोजन कोई फर्क नहीं है, एक बात गुणवत्ता के नाम पर समान है, बाकी इसकी उपलब्धता जमीन में ज़्यादा है, क्योंकि इसके ऊपर हम जब कोटिंग कर लेते हैं, आप जानते हैं कि यूरिया एक हाइग्रोस्कोपिक रसायन उर्वरक है, जो क्या आसानी से हमारे वातावरण में जो नमी है उसको एब्जॉर्ब करके वो शीघ्र रूप से पिघलता है, तो उसके ऊपर जब नीम ऑयल का हम इस पर कोटिंग कर देंगे तो उसकी उपलब्धता जमीन में ज़्यादा रहेगी और उसमें किसान को अधिक फायदा होगा, और ये माना गया है कि लगभग 10-20% किसान को यूरिया की उपलब्धता अधिक हुई है। जी। दूसरा तथ्य है इसका पेस्टिसाइड, इसको माना कि नीम एक जो है प्राकृतिक रूप से बायोपेस्टिसाइड है, जो कि हमारे किसान एक केमिकल पेस्टिसाइड यूज करते थे उसको एक ये विकल्प ढूंढा गया है, और ये जमीन में जो भी हमारे ये पौधों पे इंसेक्ट इफेक्ट करते हैं तो उसको ये कंट्रोल करता है। जी, तो जी। एक पंथ दो काज वाली बात है कि यूरिया की इसके अधिक उपलब्धता, दूसरा बायोपेस्टिसाइड। जी, और इसीलिए हम कह रहे हैं यूरिया में नीम तो फायदे गिन। तो शैलेंद्र जी, ये भी बताइए कि चलिए ये तो बात रही कि नीम ऑयल जो है वो उसके फायदे किस किस तरह से, किसान अलग अलग रूप में इसका पहले भी इस्तेमाल करते आए और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन जो जिस नीम ऑयल की बात करें, ये कहाँ से लिया जाता है, इसका सोर्स क्या रहता है, सरकार इसके बारे में क्या कर रही है? देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारे जो है ये नीम एक ऐसा वृक्ष है जो हर गांव में, हर घर में पहले ही जो सदियों से हम उसके लगाते रहे हैं, और जंगली वृक्ष के रूप में ये उपलब्ध है, और हमारा गांव में किसान जो है उसको लगाते भी हैं, अपने मेड़ पर लगाते हैं, घर में लगाते हैं छाया के लिए। इसकी गुणवत्ता को जो हम इसको आर्थिक रूप से इसको बढ़ावा दिया गया है वो हमारी श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जिसमें इनको कहा कि इसको किसान को कितना फायदा हो सकता है, इसको ध्यान में रखते हुए इसका जो है प्राकृतिक उपलब्धता के लिए किसानों को ये बढ़ावा दिया जा रहा है कि आप अपने मेड़ पे, अपने खेत में, अपने घरों में नीम को
यानी पौधे को लगाएं और ऑलरेडी हमारे देश में इसकी काफी उपलब्धता है, उसी से नीम ऑयल हमारा प्राप्त होता है। यानी एक तरफ नीम लेपित यूरिया किसानों को मिल रहा है और दूसरी तरफ किसान जिनके पास नीम है इसे भी एक नए विकल्प की तरह देख सकते हैं, एक नए अवसर की तरह देख सकते हैं। एसपी सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि पहले जितनी मांग होती थी आपूर्ति नहीं होती थी, कालाबाजारी रहती थी और ये एक तरीके का इसमें हम देखते थे कि राजनीतिक रंग भी घुल जाया करता था कहीं ना कहीं, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। आपके नजरिए से, एक पत्रकार के नजरिए से मैं जानना चाहूंगी कि वो जो तस्वीर है उसमें आप किस तरह के बदलाव देख रहे हैं, आप किसानों तक भी पहुंचते होंगे। देखिए अंजू, यूरिया को नीम लेपित करने से पहले अगर हम देखें तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी जी? सिर्फ इसलिए नहीं कि यह चोरी हो जाती थी या कोई और जगह इसके लीकेज होते थे, ये तो एक पक्ष है। इसके करने के बाद जो रुका है वो एक अलग विषय है कि आपके खजाने को बचत हुई है, लेकिन सबसे बड़ी जो जरूरत थी जिसके लिए इसे लागू किया गया या इस पर शोध किया गया, इसे 2007 में ही ये ICAR के साइंटिस्ट ने इस पर काम किया और हमारे वैज्ञानिकों ने देखा कि हमारी जमीन में इतनी ज्यादा नाइट्रोजन ज्यादा हो गया है कि उस नाइट्रोजन के चलते कोई फायदा नहीं हो रहा है बल्कि किसानों की लागत लगातार बढ़ रही है। जी जी। तो 2007 से लेकर 2015 के बीच में यह लागू हो तो गया बट लागू करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही धीमी रही, और 2015 में जब यह सरकार 14 में आने के बाद इन्होंने तय किया कि जमीन की गुणवत्ता को कैसे बनाए रखा जाए और अंधाधुंध जो फर्टिलाइजर का प्रयोग है उसमें कैसे उसको संतुलित किया जाए, रोकने के बजाय इन्हें संतुलित किया जाए, और इस संतुलन को बनाने के लिए इन्होंने नीम लेपित यूरिया का जो फायदे थे जो साइंटिस्ट ने जो वैज्ञानिकों ने बताया था उसका अध्ययन कराया, और अध्ययन कराने के बाद कुछ निश्चित जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। जी, जी, जी। उस पायलट प्रोजेक्ट का फायदा ये उन्हें फायदा दिखने लगा कि लागत कम हो रही है और उत्पादन अच्छा हो रहा है। जी जी जी। और इसको लागू करने के बाद जब इस सरकार को लगा कि नहीं इससे तो फर्टिलाइजर की का उपयोग कम हो रहा है, जी, जी। देखा कि 10-15% तक फर्टिलाइजर कम यूज हुआ, दूसरा प्रोडक्शन वाइज भी इसमें वृद्धि हुई है, जो अभी लेटेस्ट अभी हमें लगता है कि ये धर्मपाल जी इसको करेक्ट करेंगे, एक रिपोर्ट आई है भारत सरकार में कि इसके लागू करने के बाद प्रोडक्शन कैसे बढ़ा है और लागत कैसे घटी है, यानी यूरिया का प्रयोग कम हुआ और इसकी घटी उत्पादन बढ़ा है। दूसरा ये रहा कि आप देखेंगे कि इसके पहले 25 करोड़ टन उत्पादन होता था यूरिया के, जो सामान्य यूरिया का जो प्रयोग होता था तो देश का जो टोटल प्रोडक्शन था वो 25 करोड़ टन के आसपास था, लेकिन इसके लागू करने के बाद, मैं नहीं कहूंगा सिर्फ यही एक फायदेमंद था, लेकिन इसके लागू करने के बाद ये प्रोडक्शन बढ़कर 27 करोड़ टन से भी ज्यादा हुआ। तो दूसरा कलम का भी अंश हो सकता है, एक चीज और जोड़ दूं, एक दूसरा ये कि आप जब 25 करोड़ टन पैदावार हुई तो उस समय जो यूरिया का या खाद का उपयोग था वो ज्यादा हुआ, और जब ये 27 करोड़ टन हुआ तो खाद का प्रयोग कम हुआ। अब ये इससे अगर इससे कोरिलेट करें तो साफ साफ दिखता है कि अगर संतुलित प्रयोग खाद के यानी खाद का कम प्रयोग हुआ, खाद का संतुलित प्रयोग हुआ, जितनी जरूरत थी उस हिसाब से खेत में खाद का प्रयोग किया, फर्टिलाइजर डाला, उसका इंपैक्ट उस पर गया, और प्रधानमंत्री ने कई मंचों से ये बात लगातार कहते रहे हैं कि हमने यूरिया को नीम लेपित करते हुए हमने नहीं किया, पिछली सरकार के दौरान भी हालांकि ये पॉलिटिकल बयानबाजी थी कह सकते हैं कि ये 2007 में ही हो गया था, लेकिन इसे लागू करने का श्रेय हमें जाता है, और इसका फायदा ये मिला कि हमारे किसानों का प्रोडक्शन बढ़ा और सबसे बड़ी चोरी बढ़ी, जो इसकी चोरी हो जाती थी, हाँ दूसरे क्षेत्रों में जाती थी, लीकेज होता था, ये प्लाईवुड इंडस्ट्री में जाता था, टेक्सटाइल में जाता था, दूध में एडल्ट्रेशन के लिए मिलावट के तौर पर यूज होता था, इन सब पर बैन लगा क्योंकि नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग बाकी क्षेत्रों में करना संभव नहीं रह गया, इसलिए इसका फायदा मिला। और एक बात आपने जोड़ा, बहुत बढ़िया बात कही कि हाहाकार मचा करता था, थाने पुलिस थानों पर यूरिया का वितरण किया जाता था, लाठी चला करती थी, हर लगभग जितने रबी और खरीफ से पहले लगभग मुझे याद है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखा करते थे और दिल्ली तक आया करते थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, फर्टिलाइजर मिनिस्टर, प्रधानमंत्री से लगातार चिट्ठी लिखा करते थे कि हमारे यहाँ यूरिया की सप्लाई की जाए, चिट्ठी नहीं आती है। अब वो चिट्ठी तो आना तो दूर, कोई इसका जिक्र भी नहीं करता, बल्कि स्टॉक पोजीशन अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि हर स्टेट में हर सीजन से पहले पिछले 2-3 सालों से
उनके यहाँ कैरी ओवर स्टॉक बचने लगा है, डेफिसिट में नहीं है, उनके यहाँ घटता नहीं है, बल्कि उनके यहाँ हर सीजन में जितना वो डिमांड करते हैं उसका उपयोग नहीं होता है और वो यूरिया बच जाती है। वंदना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि अभी सिंह साहब ने बताया कि जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, वो पहले से बढ़ा है, तो क्या इसका पूरा क्रेडिट हम यूरिया को दे दें कि यूरिया की, क्योंकि मात्रा, जैसे कि अभी कहा है कि हमने आंकड़े भी दिखाए कि मात्रा भी कम हुई है, या फिर किसान जो है जागरूक हो चुका है, वो अब वैज्ञानिक तरीके इस्तेमाल करता है, और यूरिया के संदर्भ में हमें ये बताया कि मात्रा इसकी कम लग रही है, या फिर अब ये किसान जान चुका है कि उसे इतना इस्तेमाल नहीं करना। देखिए, यूरिया एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो बहुत घुलनशील है और इतनी जल्दी घुल जाता है जितने की पौधों को आवश्यकता नहीं है उस समय में, उससे जल्दी वही घुल कर मिट्टी में नीचे पानी में चला जाता है या हवा में चला जाता है, तो पानी को भी प्रदूषित करता है, हवा को भी प्रदूषित करता है, इससे वातावरण पर बहुत खराब असर पड़ता है। तो अब वैज्ञानिकों का ये हमेशा से प्रयास रहा है कि यूरिया का जो सब्सिडाइज है फर्टिलाइज़र, इसका कैसे कम इस्तेमाल हो, इसकी दक्षता कैसे बढ़ाई जाए। तो जो नॉर्मल यूरिया होती है इसकी दक्षता 30-35% होती है और बाकी वेस्ट हो जाती है, तो इस दक्षता को बढ़ाने के लिए एक तो प्रयास है। दूसरी बात यह कि ये सरकार जो है किसानों को कम लागत से अधिक उत्पादन मिले, उसकी इनकम डबल हो, इसलिए सतत प्रयासरत है। तो जो हमारा एक सॉयल हेल्थ कार्ड प्रोग्राम चल रहा है, उसके सॉयल हेल्थ कार्ड में जो रिकमेंडेशन है और नीम कोटेड यूरिया के इस्तेमाल से, तो एक बैलेंस फर्टिलाइजर की तरफ बढ़ रहा है किसान। तो जब हम अधिकाधिक यूरिया का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो दूसरे पोषक तत्व हैं या माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, तो उन सब का भी सही इस्तेमाल होता है, तो एक तो लागत भी कम हो गई, पर्यावरण भी सुरक्षित हो गया, और किसान किसी तरह की कालाबाजारी भी नहीं होगी कि सब्सिडाइज फर्टिलाइजर है, एक बार सब्सिडी लेके उसको फिर बेच दिया और मिल बांट के खा लिया, तो ये भी काम खत्म हो गया। जी, जी, तो इसलिए ये बहुत अच्छा कदम है और ये इससे कम तो हो रहा है, और अभी भी साइंटिस्ट लोग प्रयासरत हैं कि इसकी और दक्षता इस उर्वरक की कैसे बढ़ाई जाए। अच्छा, ये बताइए, अभी जितना इस्तेमाल हो रहा है, क्या लगता है अभी भी गुंजाइश है कि और कम हो सकते हैं? बिल्कुल कम हो सकता है, क्योंकि अभी हम अगर नैनो फर्टिलाइजर की तरफ हम काम करना शुरू करते हैं तो उसमें तो उतना ही यूरिया इस्तेमाल, हमने बताया ना 30-35% इसकी उपयोग दक्षता है नाइट्रोजन की, अगर नीम कोटेड है तो 40-45% हो गई, तो जब दक्षता ज्यादा है उसकी तो कम मात्रा लगेगी तो फायदा होगा उसको। तो उम्मीद करते हैं कि अगले साल जो आंकड़े आएंगे हो सकता है उसमें और कमी है। बिल्कुल कमी आएगी। धर्मपाल जी, अब ये बताइए, जैसे कि हम कह रहे हैं कि अभी भी, जैसे वंदना जी का कहना है कि अभी भी जितना यूरिया इस्तेमाल हो रहा है, इसमें भी गुंजाइश है कि किसान अभी इसे और हिसाब से इस्तेमाल करे, जितनी जरूरत है अभी भी उसे कहीं ना कहीं थोड़ा अधिक हो रहा है, तो ये बताइए कि क्या इस पर भी सरकार किसी तरह का विचार कर रही है? क्योंकि हमें पता है कि कट्टे किसान क्या करता है कि हमारे पास इतने हेक्टेयर का खेत है और इतने कट्टे ये डाल दे, इतने कट्टे वो डाल दे, इसी तरीके से वो समझता है, तो क्या इसको लेकर भी कोई पैकिंग का प्रावधान हुआ किया जा रहा है कि इतनी जमीन के लिए, इतने बड़े खेत के लिए ये पैकिंग है और वही किसान को मिले? बिल्कुल आपने सही कहा, किसान हमेशा एकड़ के हिसाब से कि एक एकड़ में इतने हम कट्टे डालेंगे उस हिसाब से इस्तेमाल करता है। तो मोटा मोटा अभी हमारा जो बैग साइज है वो जो 50 किलो का है, और साइंसदानों ने तकरीबन सिद्ध कर दिया है कि 45 किलो जो नीम कोटेड यूरिया है वो तकरीबन 50 किलो के बराबर है। तो इसका फायदा उठाने के लिए हमने अब बैग साइज को 45 केजी करने का फैसला हुआ है, और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए तकरीबन 2-3 महीने लगेंगे। आई थिंक ये 45 किलो का बैग मार्केट, मतलब कीमत भी घटेगी फिर उसके, प्रोपोर्शनली कम होगी, 50 किलो की ज्यादा है तो 45 किलो की कम होगी कीमत उसकी, प्रोपोर्शनली उसका कम होना चाहिए। तो उसका जो नोटिफिकेशन है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने अभी करना है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि विद इन 3 महीने के अंदर ये जो इसका नया जो बैग साइज है 45 किलो का बैग आएगा, और उसका सीधा सीधा असर ये दिखेगा कि 10% आपका अक्रॉस द बोर्ड नीम कोटेड यूरिया की ओवरऑल कंजम्पशन जो है कम होगी। जी, यानी खरीफ के लिए माने कि जो पैकिंग है वो छोटा हो जाएगा, छोटा होने की पूरी तैयारी कर। सिंह साहब, अभी ब्रेक का वक्त है, लेकिन मैं चाहूंगी कि जो हमने अभी बातें कुछ की है, चर्चा हुई, उस पर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, आप किस तरीके से समझते हैं? देखिए आज जो मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारा किसान जो है बहुत चालाक और बहुत जागरूक रहा है पहले से। मैं फिर कह रहा हूँ कि बार बार हर आदमी और हर साइंटिस्ट किसान को न जाने क्या समझता है कि उसको कुछ नहीं आता। मैं सच कह रहा हूँ आपको, देखिए मैं गाँव से आता हूँ, पहले खेती फसल चक्र के हिसाब से होती थी और
पहले दलहन की खेती होती थी, फिर इसके बाद उसमें अनाज की खेती होती थी, यानी गेहूं या चावल की खेती होती थी। तो दलहन के रूट में ऑलरेडी नाइट्रोजन अपने आप वो ले लेता था, या ऊपर से जो वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन होता था उससे उसका काम चलता था और खेत में पर्याप्त नाइट्रोजन मिल जाया करता था। लेकिन जब से ये खाद का प्रयोग चलन बहुत तेजी के साथ बढ़ा, धीरे 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 वो डिपेंडेंसी बढ़ गई और फसल चक्र का पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। लेकिन किसान भी तो चाहता है ना कि उसका खेत बिल्कुल भी खाली ना रहे। नहीं, इसका दूसरा भी नुकसान हुआ। हम दलहन में आत्मनिर्भरता से खत्म हो गए, हमारी आत्मनिर्भरता खत्म हो गई, हम इंपोर्ट की ओर चले गए, तिलहन हमारे पास नहीं हुआ। तो ये जो सिस्टम, हमारे फसल चक्र का जो पूरा सिस्टम ध्वस्त किया गया, जैसे भी हुआ, मैं कहता हूं जिस भी तरीके से किया गया, पहले जरूरत उसको भी ठीक करने की है। अगर अंधाधुंध खाद का प्रयोग कम करना है तो उसे यह बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। और एक लंबी एक बड़ी पीढ़ी एक पुरानी पीढ़ी जा चुकी है। ऐसा प्रधानमंत्री ने भी कई बार मंच से कहा कि वो समय भी आया जब हमें इसकी जरूरत ही ना पड़े। जी बिल्कुल, जरूरत ना पड़े, जरूरत ना पड़े, बिल्कुल। यही यह बात प्रधानमंत्री ने इसीलिए कहा क्योंकि प्रधानमंत्री को वो उस युग के हैं, उन्हें वो पता है। मुझे मालूम है कि मुझे बचपन में पहले खेती इसी तरह हुआ करती थी, फसल चक्र के हिसाब से, और कंपोस्ट का उपयोग, फर्टिलाइजर का उपयोग बहुत थोड़ा बहुत हुआ करता था, लेकिन अब सब सारी डिपेंडेंसी इसी पर बढ़ गई है। और इस तरफ भी सरकार की बहुत कोशिशें हैं कि जो रसायनों का इस्तेमाल है खेती में वो कम से कम हो, और हम ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती की बात कर रहे हैं। तो शायद इस दिशा में ये जिस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, वो दिन भी आएंगे जब किसानों को इनका इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ेगा, लागत बहुत कम हो जाएगी और फायदा ही फायदा होगा। बहरहाल फिलहाल इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और विचार विमर्श करेंगे यूरिया में नीम तो फायदे के। छोटा सा ब्रेक, देखते हैं विचार विमर्श। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हम विचार विमर्श कर रहे हैं यूरिया में नीम तो फायदे गिन, और अब दूसरे दौर की शुरुआत हो गई है। आगे बढ़े, चर्चा को आगे बढ़ाएं और कुछ और बिंदुओं पर हम बात करें, उससे पहले ये अगली रिपोर्ट देख लेते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन में पाया गया है कि खेतों में रासायनिक खादों के लगातार इस्तेमाल से मिट्टी की सेहत पर असर पड़ता है, लेकिन नीम लेपित यूरिया का इस्तेमाल मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। दरअसल यूरिया के ऊपर नीम के तेल का जो लेप किया जाता है, वो लेप नाइट्रिफिकेशन अवरोधी के रूप में काम करता है, यानी नीम लेपित यूरिया धीमी गति से जमीन में जाता है, जिसकी वजह से फसलों की जरूरत के मुताबिक नाइट्रोजन की उपलब्धता होती है, इससे फसल पैदावार में वृद्धि होती है। ये पाया गया है कि नीम लेपित यूरिया सामान्य यूरिया से कम ही लगता है, जिससे यूरिया की बचत होती है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि किसान की लागत में कमी आती है, या ऐसे कह सकते हैं कि किसानों की आय में बढ़ोतरी होती है। नीम का लेप बनाने के लिए नीम की निम्बोली का उपयोग किया जाता है। उर्वरक कंपनियां इन नीम की निम्बोलियों को किसानों से खरीदती हैं। किसान निम्बोलियों को इन कंपनियों से बेचकर अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। यूरिया की मांग अधिक होने से पहले देश को भारी मात्रा में यूरिया का आयात करना पड़ता था, पर नीम लेपित यूरिया ने इसमें कमी करके देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत करने में खासी सफलता हासिल की है। साथ ही केंद्र सरकार यूरिया पर जो सब्सिडी देती थी, वो कालाबाजारी रुकने और कम उपयोग के कारण अब पहले से कम हो गई है। इससे भी किसानों की बचत हो रही है। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी और हमने ये भी बताया कि किस तरीके से लागत घटाने की कोशिश की जा रही है, और इसके साथ कई शोध भी किए जा रहे हैं। जो विदेशी हमारी मुद्रा है उसको लेकर भी किस तरह का सकारात्मक हमारा असर हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर देखने को मिल रही है यूरिया को लेकर, और इस पर सरकार भी कई बार जिक्र कर चुकी है। मैं धर्मपाल जी आपसे जानना चाहूँगी कि ये बताइए कि यूरिया जो हम कह रहे हैं कि पहले मांग बहुत हुआ करती थी और आयात करना पड़ता था, आयात पर किस तरह का आप असर देख रहे हैं जब खपत घट रही है और कालाबाजारी कम हो रही है?
इसका अभी एनालिसिस तो होगा, ये एक साल कंप्लीट हुआ है, होने वाला है नीम कोटिंग यूरिया होने के बाद, तो ये पूरे आंकड़े आने के बाद ही इसका ओवरऑल पता चलेगा कितना खपत कम हुआ है या कितना बड़ा है। लेकिन जो फिगर को अगर हम कंपेयर करते हैं, जैसे हमने पिछले साल उससे पहले जो हमने इम्पोर्ट किया था वो तकरीबन 80-85 लाख मीट्रिक टन हमने किया था, लेकिन उसके नेक्स्ट ईयर जब हमने नीम कोटिंग किया तो हमने सिर्फ 54 लाख मीट्रिक टन। अच्छा, इतना फर्क आ गया। उसका एक और भी फैक्टर है क्योंकि हमने इंडिजिनस प्रोडक्शन जो हुई है, हमारी घरेलू उत्पादन यूरिया का हुआ वो भी 20 लाख मीट्रिक टन बढ़ा, तो मोटा मोटा गैप जो अगर देखा जाए उसको, अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन को अगर फैक्टर इन किया जाए तो उसका फिर भी 10 लाख मीट्रिक टन का तो ओवरऑल असर पड़ा ही है, जी जी कम हुआ है। जी जी, अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि एक तो हमारी जो घरेलू क्षमता है उसमें भी वृद्धि हुई है, आयात में भी आपने बताया कि कमी आई है, यहाँ पर एक और पॉइंट मैं जानना चाहूंगी कि सब्सिडी को लेकर के भी जो एक बोझ था सरकार पर, उसमें कितनी हमने कटौती देखी है, क्योंकि अब हम आंकड़े बता रहे हैं कि कमी आई है। देखिए, हमारा जो है ऑब्वियसली अगर कंजम्पशन कम होगा तो उसकी सब्सिडी भी कम, हमारा ओवरऑल इम्पैक्ट आएगा उसका, लेकिन मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि हमारा सब्सिडी कम करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। हमारा सिर्फ जो मेन मकसद है कि जो किसान का जो खर्चा है उसको कैसे कम किया जाए। आर्थिक बोझ तो कम हुआ ही होगा, उसको हम दूसरी तरफ लगा सकते हैं। हाँ, उसको दूसरी तरफ किसान के दूसरे फायदों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मेन हमारा उद्देश्य ये है कि किसान का खर्चा कम कैसे किया जाए और उसी कम खर्चे में उसकी उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, उसकी प्रोडक्टिविटी को कैसे जी, किसान का खर्चा कम हो, लागत कम हो। और यही सबसे बड़ी एक समस्या भी आती है कि शायद कहीं ना कहीं अज्ञानता भी रहती है, या फिर सही चीज सही समय पर किसान तक नहीं पहुंच पाती है, उसकी लागत बढ़ जाती है। और जाहिर सी बात है, लागत बढ़ेगी तो जो आमदनी है उसका अनुपात भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी अब शैलेंद्र जी, क्योंकि जो लागत की बात की जा रही है कि लागत कम हो रही है, तो हम ये भी जानते हैं कि एक तरफ उर्वरकों का इस्तेमाल और दूसरी तरफ कीटनाशकों पर भी झोंकम झोंक चलता है। किसान जो है ये सोचता है कि अगर थोड़ी सी समस्या आई है, बीमारी आई है, कीट आए हैं, तो जो दूसरे किसान को देखता है और वही उसमें भी यही होता है कि वो जो जितनी मात्रा है उससे अधिक इस्तेमाल कर जाता है। तो क्या ये नीम को जो कोटेड यूरिया है, इसका कोई प्रभाव कीटनाशकों की कमी पर भी देखने को मिला है? क्या ऐसे भी कोई आंकड़े आपके सामने आए हैं? अवश्य भविष्य में इसका जरूर प्रभाव पड़ेगा और किसान इसको जान रहा है कि अगर हम हमारे यूरिया के ऊपर नीम का कोटिंग है और वो उसको प्रयोग में ला रहा है तो मुझे पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज नहीं करना चाहिए। कुछ निर्माता कंपनियां जो पेस्टिसाइड की हैं और यूरिया निर्माता कंपनी उस पर आकलन कर रही हैं, आने वाले भविष्य में इसका हम जो है, लेकिन अभी मतलब फिलहाल ऐसे कोई आंकड़े अभी फिलहाल हमारे पास इसका कोई जी। वंदना जी, चलिए, ये तो बात रही कि कीटनाशकों के आंकड़ों में क्या कमी आई या नहीं आई, ये फिलहाल अभी साफ नहीं है। लेकिन अगर हम मिट्टी की गुणवत्ता की बात करें, जैसा कि एसपी सिंह जी ने भी बताया कि नाइट्रोजन की उतनी जरूरत नहीं होती है जितना किसान उसमें झोंक देते हैं, और एक पूरा एक अपना ही व्यवस्था है कृषि की जिसमें मिट्टी में आपको बाहर से जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब हमने देखा ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसके बाद से इस तरह की एक प्रथा से शुरू हो गई। मिट्टी की गुणवत्ता पर आप किस तरह का असर देख रहे हैं नीम कोटेड यूरिया के इस्तेमाल से? देखिए, जब नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल किसान करता है तो जाहिर है कि मिट्टी में नीम ऑयल जा रहा है और उसकी वजह से जो कीटनाशक हैं या मिट्टी से जनित बीमारियां हैं उनका कम प्रकोप होता है। और दूसरी बात है कि मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी बढ़ती है, फर्टाइल हो जाती है। इसका सर्वेक्षण भी हुआ है, जो हमने जैसा कि अभी बताया था कि जो हमारा पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन इंस्टीट्यूट है उसने भी इसका किया हुआ, एक सर्वे भी किया हुआ है, एनएफएल ने भी किया हुआ था और आईसीआर वालों ने भी किया हुआ है जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है। तो ये इससे इसके फायदे बहुत सारे हैं और मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जा रही है, बैलेंस न्यूट्रिशन हो रहा है, फिर हमारा साथ में सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोग्राम भी चल रहा है, उसकी वजह से भी जो समेकित पोषक तत्व प्रबंधन के ऊपर जो हम विशेष जोर दे रहे हैं कि आप कंपोस्ट का भी इस्तेमाल करिए और फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल करिए, तो ये सब कुल मिलाकर जो मेन मकसद है वो कि किसान की आय बढ़े, कम लागत हो और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बरकरार रहे, और ये शत प्रतिशत इससे मिल रही है। जी, चलिए, सरकार के तो प्रयास है, लेकिन सिंह साहब मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जब भी कोई नई शुरुआत होती है तो बहुत सारे
इफ्स एंड बट्स जुड़ जाते हैं, वो आशंकाएं होती हैं। और किसान के भी अगर हम बात करें, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा उपभोक्ता भी वही है, उत्पादक भी वही है, जब नीम कोटेड यूरिया की बात आई तो क्या किसान ने इसे आसानी से एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया? क्योंकि उसमें भी सवाल उठे होंगे कि अगर इसमें भाई कोई कोटिंग कर दी जाएगी तो क्या सही मात्रा में नाइट्रोजन पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, इसके बारे में आपका किस तरह का अनुभव रहा? नहीं, देखिए ऐसा है कि एक्सेप्टेंस इसलिए में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसान को या नहीं हुई, उसकी वजह थी कि नीम से बहुत अच्छी तरह परिचित है किसान, और नीम की जो खली निकलती है, जो उससे तेल निकाल के यूज करते हैं, उस खली का उपयोग वो अपने कीटनाशक के तौर पर अपने खेतों में वो पुरातन समय से ही लगातार वो परंपरागत तरीके से करता रहा। जी जी जी। इसलिए अगर वो यूरिया में मिलके आती है तो उसको कोई दिक्कत नहीं हुई और नहीं होगी। दूसरी बात कि मैं कह रहा था कि जमीन की, देखिए सरकार ने एक काम इसके लागू करने के साथ एक काम और अच्छा किया कि सॉयल हेल्थ की जांच कराई। जब खेत की मिट्टी की सेहत जांची गई तो उससे पता चला कि किस खेत में क्या क्या कमी है, किस जमीन में, किस देश के किस हिस्से में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसके हिसाब से खाद बनाने की बात सोची। तो देखा कि सर्वाधिक उपयोग हमारे यहाँ फर्टिलाइजर में यूरिया का ही हो रहा है, और यूरिया का प्रयोग जिस तरह से हो रहा है और यूरिया का जो नेचर है, अभी वंदना जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि कैसे वो भाप बन के उड़ जाती है या जमीन के अंदर जल्दी चली जाती है क्योंकि बहुत जल्दी घुलती है वो, लेकिन जब ये नीम लेपित होके या नीम कोटेड होके जाती है तो वो धीरे धीरे घुलती है और उस लंबे समय तक खेत पे बनी रहती है। और जब तक वो फसल, अच्छा इसका यूज क्या है, ये करती क्या है? यूरिया का काम है किसी भी फसल को हरा भरा रखना। जी। आप देखेंगे कि किसान एक आदतन उसके खेत में अगर एक भी कोई देखा कि खेत की कोई फसल उसको पीली पड़ रही है उसकी पत्तियां, तो सबसे पहले वो उपयोग करेगा, जल्दी से एक कट्टा दो कट्टा लाएगा और फटाफट उसमें छिड़काव करेगा, टॉप रेचिंग करता है यूरिया का, और वो पूरे खेत में दिखाई भी देता है कि किस कोने में यूरिया ज्यादा पड़ा है। ये उसका नेचर है, और जहां जहां पीली होगी बल्कि वो ज्यादा बढ़ा देता है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि ऑलरेडी उसके खेत में यूरिया की कमी नहीं है, किसी और पोषक तत्व की कमी है। ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और बाकी जो मोटे मोटे न्यूट्रिएंट्स हैं, इन सब की जानकारी इस खेत के मिट्टी की जांच से पता चल गया। दूसरी बात कि इस सरकार को या इस देश को या इस पॉलिसी मेकर्स को, जैसे हमारे धर्मपाल जी बैठे हैं, ये सिंह साहब बैठे हैं, वंदना जी, इन लोगों को ये जो पॉलिसी बनाते हैं, इनको यह पता चल गया कि देश के किस हिस्से में किस तरह की पोषक तत्व की जरूरत है, किस मिट्टी में क्या डिफिशियंसी है, क्या ज्यादा है क्या कम है, उसके हिसाब से उसकी सप्लाई बढ़ा सकते हैं। वहां के किसानों को यह बताया जा सकता है कि भाई आपकी मिट्टी में यह कम है, आप ये यूज करें। इसलिए देखा होगा तमाम जगहों से शिकायतें आती हैं, दरअसल शिकायतें इसलिए होती है कि उनको समझ में नहीं आता कि साहब खाद के साथ तो एक कट्टा वो हमें जिंक भी दे रहा है, हमें बोरान भी दे रहा है, हमें गंधक दे रहा है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम, क्योंकि सरकार ये बताने में कहीं ना कहीं विफल रही है। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी, इसमें फेलियर है कि एक्सटेंशन के लेवल पे किसानों को ये बताने में फेलियर रहती है कि आपकी खेत में अगर आप ये डीएपी यूरिया या जो भी पोटा जो भी आप यूज कर रहे हो उसके साथ ये जो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का डिब्बा या झोला दिया जा रहा है, जो सामान दिया जा रहा है, इतने खेत में ये इसको डालेंगे तो आपकी जो पत्तियां पीली हो रही है, डंटल उसके कमजोर हो रहे हैं, दाने उसमें साफ नहीं आ रहे हैं, दाने ठीक नहीं पड़ रहे हैं, इसकी कमी है इसलिए वो अच्छा हो जाएगा। इसलिए यह काम बड़े वैज्ञानिक तरीके से सॉयल हेल्थ कार्ड यानी सॉयल हेल्थ की जांच के बाद जो उनको कार्ड दिए गए, पहला चरण इसका पूरा हो चुका है, बल्कि अब दूसरा चरण चालू हो चुका है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसानों को ये जानकारी जो चीजें यहाँ होती हैं, जैसे नीम लेपित यूरिया बनी तो किसानों तक ये बात पहुंचाई गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी उनको, अगर ये जानकारी न भी पहुंचाई जाती, क्योंकि ये इससे फेमिलियर है, इससे वो पूरी तरह शुरू से परिचित है कि नीम की खाद, नीम की खल, नीम का कोई भी वेस्ट उसके खेत को फायदा करेगा, नीम की पत्ती का वो सड़ा के अपने खेत में यूज करता है, तो नीम से उसका लेना देना बहुत कोई उससे दुराव नहीं है, बल्कि वो उसके फैमिलियर रहा है। जी, जी। लेकिन अन्य चीजों की जो अन्य पोषक तत्व हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी, ये यूरिया की बात रही, लेकिन आपका कहना है कि अभी भी जो अन्य पोषक तत्व हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए, उनका भी जितना उचित इस्तेमाल है उतना ही करना चाहिए। धर्मपाल जी, चलिए ये तो बात रही कि किसानों तक अब यूरिया पर्याप्त मात्रा में पहुंच रहा है, बल्कि जो खपत है वो घटी है, वो इसलिए क्योंकि जो नीम लेपित यूरिया है उसका स्वभाव बदल चुका है, वो खेती के लिए बेहतर है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि यूरिया की कालाबाजारी क्यों होती थी,
इसलिए क्योंकि कई इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता था, तो क्या उसमें भी कमी आई है? क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि इम्पोर्ट हमारा घटा है, खपत घटी है, तो कहीं ना कहीं उसका भी तो अंश होगा जो कालाबाजारी के माध्यम से दूसरे रास्तों से यूरिया इस्तेमाल हुआ करती थी। बिल्कुल, आई थिंक ये कंबाइंड इम्पैक्ट है, इसको सेपरेट कंपार्टमेंट में अलग अलग करना अभी मुश्किल है कि ओवरऑल एक तो कंजम्पशन कम हुई क्योंकि नीम कोटेड यूरिया की इफेक्टिवनेस बढ़ी जी। और उसके बाद ये भी फैक्टर हो सकता है कि आपका जो कालाबाजारी का भी जो एलिमेंट था वो भी इसमें जरूर कम हुआ होगा, क्योंकि जो हमारा एग्रीकल्चर के जो क्रॉपिंग जो टोटल एरिया था वो बड़ा है, लेकिन पर हमारी कंजम्पशन फिर भी कम हुई। तो इसका मतलब ये कि कंबाइंड इफेक्ट बहुत सारे फैक्टर्स का है जिसकी, और नीम कोटिंग का भी उसमें अहम उसका रोल रहा होगा। तो ओवरऑल कंजम्पशन जो कम हुई है ये इसका कंबाइंड बहुत सारे फैक्टर्स का असर हो सकता है। जी शैलेंद्र जी, मैं आपसे भी इस पर जवाब चाहूंगी, और साथ ही ये भी कि जो नीम लेपित यूरिया की गुणवत्ता बनी रहे, इसमें नीम ऑयल की भी बहुत बड़ी भूमिका है, जैसा कि आपने जाना कि किसान बताया किसानों के माध्यम से इसे लिया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि अभी जितने हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उसके हिसाब से तो यूरिया को नीम लेपित कर लिया गया, लेकिन आगे की योजना क्या है, और साथ ही इसकी गुणवत्ता बरकरार रहे, आगे किसी तरह का इसमें स्कोप ना रहे, चांस ना रहे कि इसकी फिर से कालाबाजारी हो या फिर दूसरे रास्तों से इसका इस्तेमाल हो। देखिए, पहले तो मैं आपकी अनुमति है, तो जो सर ने अभी कहा कि इसकी हम उपयोगिता और गुणवत्ता, जो जैसे आप नीम, किसान अगर कोई नीम कहते यूरिया, यूरिया का जो उपयोग होता था आपने अक्सर सुना है कि दूध में यूरिया डाला गया जी। अब दूध में कोई नीम यूरिया नहीं डाल सकता, क्योंकि जो अगर डालेगा तो उसमें नीम है वो या तो दूध फट जाएगा या पीने में कड़वा लगेगा, ये हानिकारक है। तो एक तो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है। दूसरी चीज़ जो हमारा इसकी नीम ऑयल की उपलब्धता, उसकी गुणवत्ता है, तो अभी भी हमारे जो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 है उसमें इसके नीम ऑयल की गुणवत्ता के लिए जो उसके स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं वो उसमें प्रमाणित हैं। और प्रत्येक कंपनी जो हमारे किसानों से या दूसरे हमारे सोर्स से जो यूरिया, ये नीम ऑयल खरीदती है नीम कोटिंग यूरिया बनाने के लिए, तो उसकी वो गुणवत्ता समय समय पर अपनी प्रयोगशाला में करते हैं। और बाकी इसके अलावा जो हमारे देश में नीम कोटेड यूरिया बिक रहा है, तो प्रत्येक कंपनी के अपने अपने प्रयोगशाला हैं उसमें करते हैं, और हमारे देश में टोटल 82 जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नोटिफाइड फर्टिलाइजर टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं, वहाँ पे हमारे जो फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर्स हैं समय समय पर सैंपल लेते रहते हैं और उसकी गुणवत्ता करते रहते हैं, और इससे ये निर्धारित है कि जो किसानों के लिए यूरिया उपलब्ध है वो गुणवत्ता है उसमें प्रमाणित है, और वो आगे भी ठीक है। और आगे की योजना क्या है कि जब ये जो नीम ऑयल की उपलब्धता बनी रहे और इसमें किसी तरह की कमी ना आए, तो इसको लेकर भी किसी तरह की योजना है कि जो किसानों को प्रोत्साहित किया जाए कि नीम के पौधे लगाएं, नीम ज्यादा से ज्यादा लें पेड़ से? जी बिल्कुल, जैसा अभी सिंह साहब ने बोला था, ये किसानों के लिए, हर किसान जानता है कि नीम के क्या क्या फायदे हैं, ये घरेलू वृक्ष है हमारा, घर में सभी लोग लगाते हैं। तो अब इस सरकार के माध्यम से सबसे बड़ा इसका एक कमर्शलाइजेशन हुआ है कि किसान को ये बताएगा कि आप जितने ज्यादा पौधे अपने खेतों में लगाएंगे नीम के, उससे आपको जो है एक व्यापार में आपको नीम कोटेड यूरिया का मार्केट है उसमें आपको इसका प्रयोग मिलेगा, तो किसान की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और किसान उसी उस पर, क्योंकि 3-4 साल में ये पेड़ बड़ा हो जाता है वृक्ष, तो आने वाले टाइम में जो इस सरकार हमारी और किसान इस पर कार्य कर रहे हैं और इसकी उपलब्धता हमारे देश में होगी, और इसको जो है हम एक लंबे समय तक इसको किसानों के फायदे के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जी सिंह साहब, जैसे कि भी बहुत सारे फायदे हमने देखा और बातें की, धनपाल जी ने भी बताया, वंदना जी ने भी बताया, लेकिन ये तो अभी हमने यूरिया की बात की, जो अन्य और उर्वरक है क्या उनमें भी इसी तरह का कोई प्रयोग किया जा सकता है, क्या उसमें भी ऐसे कोई विकल्प है? देखिए, इसके बारे में तो बेहतर बताएंगे हमारे शैलेंद्र जी ही बताएंगे जी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यूरिया के मुकाबले बाकी खादों में, बाकी खाद थोड़ी बेस लाइन की खाद होती है। पहले देखिए होता क्या है कि जब किसी भी फसल की बुआई होती है तो खेत तैयार करने के साथ बुआई के साथ पहले DAP डालते हैं या MOP डालते हैं, जो मिक्सचर होती है, DAP होती है, डाई अमोनिया फॉस्फेट, तो और यूरिया का प्रयोग उसके बाद होता है या यूरिया का प्रयोग एक अंतराल पर भी किया जाता है कुछ नहीं। जी नहीं, आफ्टरऑल ज्यादा किया जाता है, बेस लाइन में कम किया जाता है, जब बुआई की समय उसका उपयोग कम होता है, उसके बाद जो टॉप रेसिंग हो किया जाता है, जो छिड़काव किया जाता है ऊपर से, उसका ज्यादा होता है। इसलिए एक बार जो यूरिया, जो खाद का प्रयोग करते हैं DAP का या बाकी का,
इसलिए उसमें कोई संकट की स्थिति नहीं होती, उसको किसान को मुश्किल मतलब बिल्कुल मालूम है कि एक एकड़ में कितने बोरी पड़ेगा और उतना एक बार उपयोग करके वो छूट जाता है। लेकिन यूरिया के प्रयोग में तो कह रहा हूं ना कि जहां उसे सिम्टम दिखा कि जरा सा उसका पौधा मुरझाया दिखा कि नहीं वजहों से वजह कोई हो लेकिन वो हर चीज का इलाज में यूरिया से जोड़ लेता है। और इसलिए यूरिया का प्रयोग कुछ बहुत ही ज्यादा हो गया था। इसको रोकना, इसको कम करना, संतुलित करना, किसान को समझाना बताना ये बहुत जरूरी था। शैलेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, एक उदाहरण है जी। शैलेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे अभी, जैसा आपने पूछा कि यूरिया के अलावा भी बाकी किसी प्रकार के उर्वरकों में इसका प्रयोग किया जा रहा है या भविष्य में किया जा सकता है, इसके लिए मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि ये यूरिया निर्माता कंपनी या उर्वरक निर्माता कंपनी उस पर समय समय पर कार्य करती रहती है। और अभी एनपी एक जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है 28-28-0 इसमें एक कोरोमंडल इंटरनेशनल कंपनी ने वो बनाया, उस पर नीम लेते यूरिया ये एनपीके बनाया है और इसको एक प्रोविजनल फर्टिलाइजर के रूप में इसको मान्यता दी गई है। हो सकता है भविष्य में इसका उपयोगिता बढ़े और इसको और दूसरे जो ग्रेड्स है एनपीके के उसमें भी इसका प्रयोग बढ़े। धर्मपाल जी आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक ये एक तो ये सारी जो जितने भी रिसर्च हो रही है मेनली जैसे कस्टमाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है और वही एक रास्ता है आगे कि किस तरह से एक क्रॉप स्पेसिफिक फर्टिलाइजर फार्मर को मिले और फार्मर को भी उसमें एजुकेशन एजुकेट करने की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो वही एक रास्ता आगे जाने का है और नीम कोटिंग ऑफ यूरिया सक्सेसफुल हो गई है, बहुत इसके फायदे होने वाले आइंदा भी, लेकिन जो आगे नेक्स्ट स्टेप जो हमें लेना है वो आगे कस्टमाइज्ड फर्टिलाइजर की तरफ बढ़ना है। जी जी, कस्टमाइज का मतलब मैं बता दूं किसान भाइयों के लिए जरा थोड़ा आसान तरीके से कि कस्टमाइज खाद वो कि आपके खेत के लिए संबंधित मतलब एक जिले के लिए या एक इलाके के लिए जो एक जलवायु स्पेसिफिक इलाका है उसमें जिस चीज की खेती होती है, गन्ने की होती है, गेहूं की होती है, चावल की, जिसकी भी खेती होती है उसी के अनुरूप हर फसल के लिए, उस फसल स्पेसिफिक फसल के लिए और उस फसल के उस क्षेत्र के लिए कौन कौन सी उस मिट्टी में, क्योंकि सॉयल हेल्थ की जांच के बाद ये आंकड़े भी सरकार के पास आंकड़े सरकार के पास आ गए और यहीं से बैठ के वो पता कर सकती है सरकार कि कहां किस चीज की जरूरत है। और लेकिन इसमें सबसे बड़ी जरूरत है खाद बनाने वाली कंपनियों के, लेकिन इसके लिए मुश्किलें और चुनौतियां भी इसमें जी बिल्कुल, और चुनौतियों से निपटना ये मकसद है और इसमें हर किसी की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। किसान भी अगर इसे समझेंगे बेहतर तरीके से तो जो राह है वो और आसान हो जाएगी। फिलहाल अभी हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी हमारा विचार विमर्श जारी रहेगा। यूरिया में नीम तो फायदे, छोटा सा ब्रेक कहीं मच जाएगा, देखते रहे दूरदर्शन किसान। जहां दिग्गज दौड़ाते हैं अपना दिमाग, ढूंढते हैं सामयिक सवालों के जवाब, खेती किसानी के मुद्दों पर मंथन का मंच, देखिए वाद संवाद हर शनिवार सुबह 11 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम विचार विमर्श कर रहे हैं यूरिया के ऊपर, कैसे यूरिया को नीम लेपित कर दिया गया है और इससे कैसे किसानों को बहुत फायदा हो रहा है। विचार विमर्श के अंतिम दौर में हम धर्मपाल जी मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि अब हम अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं, तो हमारे किसानों को एक बार गिना दीजिए कि यूरिया के क्या क्या फायदे हैं और कैसे वे इसे अपना सकते हैं और कैसे लाभ उठा सकते हैं इसका। नीम कोटिंग का जो फैसला है 2015 में किया गया और 100% हमने कंप्लीट कर दिया रिकॉर्ड टाइम में, 180 दिन में पूरा नीम कोटिंग जितना भी देश में पैदा होता है या बाहर से आता है वो हमने सितंबर और दिसंबर 2015 में कंप्लीट कर दिया। इसी के साथ साथ हमने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को ये भी रिक्वेस्ट किया कि इसके नीम कोटिंग तो हमारा हो गया है, अब इसकी इफेक्टिवनेस क्या है फील्ड में उसके स्टडी की जाए साइंटिफिक मैनर में। तो इन्होंने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर बेंगलुरु को ये स्टडी दी गई और स्टडी की इंटरम रिपोर्ट अभी हमें मिल चुकी है। इस स्टडी में क्लियरली ये एस्टेब्लिश किया है कि इससे एक तो सॉयल हेल्थ जो है वो बेहतर होती है और इसके जो किसान की जो लागत है जैसे
प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स में और कीटनाशक का जो उपयोग करता था अलग से, वो उसका कम उपयोग होता है, उससे लागत कम होती है। और उसके बाद नीम कोटिंग यूरिया के इस्तेमाल करने के बाद पेस्ट और डिजीज का जो अटैक है फसल पे वो भी कम होता है। और इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं उस पे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है उसकी, ये इट्स रेंजेस जो रेंज है इसकी 6% से 16% तक, मतलब क्रॉप के डिपेंड हिसाब से, जैसे पैडी में 6% बढ़ा, शुगर केन गन्ने में तकरीबन 17% और ये मक्का है उसमें 7%, नीम लेपित यूरिया की वजह से, सोयाबीन में ये बिल्कुल नीम लेपित यूरिया होने की वजह से स्पेसिफिकली ये रिजल्ट स्टडी में आए हैं। और इसके अलावा जैसे डिवर्जन में भी तो कमी आई है, वो भी स्टडी के में क्लियरली एस्टैब्लिश है। आपने भी 5 हमें फायदे गिनाए, एक तो ये कि मिट्टी की गुणवत्ता सुधरी है, लागत घटी है, कीटनाशकों का इस्तेमाल जो है उसमें भी जैसा कि आपने बताया कि थोड़ी कमी आई है, और उत्पादन जो है वो 6 से 12% बेहतर हुआ है, और दूसरी तरफ जो इसका गलत इस्तेमाल होता था वो घटा। तो ये सीधे सीधे 5 फायदे तो अभी हमने देख लिए हैं। वंदना जी, मैं आपसे अब जानना चाहूंगी कि हमने ये भी देखा कि सरकार ने इसे प्रचारित करने के लिए और किसानों तक पहुंचाने के लिए काफी प्रयास किया था, अब ये बताया कि हम कहां तक पहुंचे और क्या अभी भी कुछ और चुनौतियां हैं या फिर रुकावटें हैं जिन्हें दूर करने की कोशिश है, क्योंकि एसपी सिंह जी ने कहा कि एक्सटेंशन में कहीं ना कहीं जो प्रचार प्रसार है उसमें अभी भी स्कोप है। देखिए, पूरे देश में जब 100% नीम कोटेड यूरिया ही है तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं बचती है, लेकिन जी जो इस्तेमाल मतलब से कम करें वे, एक इस्तेमाल कम करने के लिए एक तो हमने बताया कि जो सॉइल हेल्थ कार्ड के हिसाब से ही अगर पोषक तत्वों का इस्तेमाल किसान करता है तो उसे फायदे ही फायदे हैं, और 100% नीम कोटेड यूरिया है और ये इस्टेब्लिश भी है, इसलिए हम समय समय पर प्रयास करते रहे हैं कि जैसे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं या आपके डीडी किसान के माध्यम से, या हम पोस्टर्स वगैरह लगाते हैं या पेपर में न्यूज़पेपर में किसान है जो हिंदी के न्यूज़पेपर या लोकल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें भी निकालते रहते हैं, तो ये प्रयास जारी है और किसान इससे भली भांति अवगत भी हो चुके हैं, और जितना ज़्यादा ये इसको समझेंगे जल्दी उतना ज़्यादा उनको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये फायदे की बात रही, लेकिन जब भी कोई प्रयास होता है, कोई नई चीज होती है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां भी देखने को मिलती हैं, कुछ शिकायतें भी आती हैं। तो शैलेंद्र जी, मुझे लगता है आप इस पे बेहतर बता पाएंगे, क्या इस प्रयास में कुछ कमियां भी देखने को मिल रही है, फिर किसी तरह की क्या शिकायतें भी आती हैं आप तक? देखिए, इसमें समय समय पर किसानों से ये हमें शिकायत मिलती है और राज्य सरकार के माध्यम से कि क्या ये नीम लेपित यूरिया है, कलर से नहीं पता लगता, साधारण यूरिया, नीम लेपित यूरिया, तो उसके लिए जो है एक निरंतर रूप से राज्य सरकारों के जो अधिकारी हैं वो सैंपल नमूना भरते रहते हैं, उसकी गुणवत्ता की जांच की जाती है, और वो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो कि सारे देश में हमने पिछले वर्ष सर के आदेश पे जो ये मंत्रालय है उसके आदेश पर हमने एक सर्वेक्षण किया था, समस्त जितनी भी निर्माता कंपनी है यूरिया की उनके यहाँ से नमूना भरा था और सभी नमूने हमें जो है नीम लेपित प्रमाणित रूप से पाए गए जो निर्धारण मात्रा है। जी, तो किसानों को इसमें एक बहुत बड़ा फायदा है। जी, अगर मैं दो शब्दों में कहूँ तो किसानों के लिए कम लागत अधिक आय, ये सबसे एक बड़ा अच्छा और साधन है जो किसान के लिए आर्थिक रूप से समृद्ध। धर्मपाल जी, जो इस तरह की शिकायतें आती है का निवारण किस तरह से होता है आप लोग इस स्तर पर? जैसे ही शिकायत ऐसी आती है, जैसे ही कोई फेलियर कोई सैंपल का रिपोर्ट किया जाता है तो हम सीधा स्टेट गवर्नमेंट को लिखते हैं, या तो उस जो भी क्वांटिटी है उसको हम लोग सीज कर लेते हैं और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो वो सारा इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीट करने के बाद जो जितनी भी क्वांटिटी पाई जाती है जिसमें कोई कमी नजर आई तो उसमें हम उस पर सब्सिडी नहीं देते कंपनी को। अच्छा, तो कंपनी को उसका पूरा जो है उसका नुकसान होता है। तो उसके अलावा मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि हमने जस्ट मॉनिटर करने के लिए पूरी नीम कोटिंग को हर एक प्लांट पे ऑनलाइन कैमराज लगाए गए हैं और वो जो उनकी हर एक यूनिट की वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो हम लोग भी देखते रहते हैं कि उसमें नीम कोटिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो अच्छा, ये पूरा आपके पास ऑनलाइन सिस्टम एक डेवलप किया गया है इसके लिए। जी जी जी, सिंह साहब आप कुछ कहना चाहते थे इसमें यूरिया के? मैं सिंह साहब, शैलेंद्र सिंह जी से जानना चाहूंगा कि यूरिया को जो नीम लेपित करने की बात है उसमें 70 रुपये पर लीटर के हिसाब से जो मुझे जानकारी मिली इंडस्ट्री के थ्रू कि 70 रुपये पर लीटर के नीम ऑयल से का जो प्रयोग होता है यूरिया में नीम लेपित करने में, लेकिन उसका एक विकल्प इंडस्ट्री ने ढूंढ लिया है कटिंग ऑयल के रूप में।
तो कटिंग ऑयल और ये दोनों ऑयल क्या कोई अंतर है इससे या कोई क्या है इसमें बताएंगे? नहीं देखिए, जो सरकार ने मान्यता दी है वो नीम ऑयल के लिए दी है और नीम ऑयल ही को ही यूज करना है। हाँ, कुछ ऐसी जानकारी मिल रही है बाजार से कि कुछ नीम सप्लायर, नीम ऑयल सप्लायर वो कटिंग ऑयल को उसको यूज करते हैं, तो उसके लिए हम एक मेथड डेवलप कर रहे हैं जो अभी मैडम ने बताया था, डॉक्टर पी के पातांजलि डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फार्मुलेशन टेक्नोलॉजी गुड़गांव, जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर के अंडर में आता है संस्थान, उसके सीनियर साइंटिस्ट हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन पर हम लोग काम कर रहे हैं। और नीम ऑयल की गुणवत्ता, जो इसमें कोई दूसरा ऑयल कटिंग ऑयल या उसके अलावा भी कोई ऑयल अगर यूज होता है तो उसकी जानकारी हम मेथड डेवलप करके उसकी जानकारी प्राप्त करें। तीसरी बात, प्रत्येक उर्वरक निर्माता कंपनी के पास वो साधन उपलब्ध है प्रयोगशाला में, वो नीम ऑयल की पूरी गुणवत्ता करते, अगर कहीं ऐसी शिकायत आती है वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, वो उसको लेते ही नहीं है। तो अभी तक जो है सिर्फ एक ही सोर्स है नीम ऑयल का, और नीम ऑयल के ही उसमें कोटिंग की मान्यता है। जी वंदना जी, क्योंकि कार्यक्रम को अब समाप्त करने का समय है तो मैं चाहूंगी कि आप क्या कहना चाहेंगे हमारे किसानों से। जाहिर है कि कम लागत से अधिक उपज लेने के लिए किसान सदैव ही प्रयास रहते हैं और हम लोगों का भी पूरा कृषि विभाग का पूरा सहयोग उनको प्राप्त है कि सॉयल हेल्थ कार्ड के बेस का अधिक इस्तेमाल करें, उसकी संस्कृतियों के अनुसार उर्वरकों का प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा कंपोस्ट का प्रयोग करें, बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करें। सिंह साहब आप कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन समय की कमी है, बहुत कम शब्दों में। देखिए, ये नीम लेपित यूरिया से किसानों का फायदा तो बिल्कुल हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन साथ साथ भारत सरकार का खजाने को भी बहुत फायदा हुआ है। मैं आपको कहूं कि फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फूड, तीन ऐसे तीन एफ कहे जाते हैं जिससे सबसे ज्यादा सब्सिडी का जाती है भारत सरकार की, और ये भारत सरकार के खजाने को छेद करने वाले ये तीनों सेक्टर हैं। इन तीनों सेक्टर पर मैं चोरी रोकने के लिए इस सरकार ने सबसे पहले पीडीएस पर को ऑनलाइन किया और पीओएस से देती है, फर्टिलाइजर को भी, और आने वाले दिनों में जो मुझे जानकारी है जितनी, हमें लगता है ये धर्मपाल जी सब इसको करेक्ट करेंगे कि डीबीटी के थ्रू ये भी सीधे किसानों के खाते में जाएगी इसकी सब्सिडी, न कि कंपनियों को। जी बिल्कुल, तो 3F के बारे में आपने बताया और उसमें से एक फर्टिलाइजर भी है, उर्वरक भी है, और जैसा कि आपने बताया कि इससे सरकार का जो खजाना है उस पर भी सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, आप स्टूडियो में आए और आज के इस विषय पर इतने विस्तार से चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही विचार विमर्श में फिलहाल इतना ही, और हमें विश्वास है कि किसी तरह की अगर किसानों को आशंका भी रही होगी नीम लेपित यूरिया को लेकर, तो वो आशंकाएं भी आज के कार्यक्रम को देखने के बाद दूर हो चुकी होंगी। तो इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एक बार फिर से मैं सभी मेहमानों का आभार व्यक्त करती हूँ। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी विचार विमर्श में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।